दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से। दोस्तों इसको हमें खोल लेना है और इसके अंदर से जितना भी गाइज माल मटेरियल है यानी कि कॉपर वायर वाइंडिंग की गई है, इसको हमें खोल लेना है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को ही खोलते हैं। इसको खोलना थोड़ा सा गाइज खुल गया है, खैर ये टूट गया है गाइज, बट हम इसको चिपका लेंगे बाद में सुपर ग्लू की सहायता से ही। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है तो इसीलिए बहुत ही सावधानी से इसको निकालना होता है। अब इसके अंदर का जो वाइंडिंग की हुई है इसको हमें निकाल लेना है, वाइंडिंग को खोल लेना है। इस तरह से दोस्तों ये खाली हो गया, इसका टर्न जो था इसके अंदर लगाया गया था। अब दोस्तों हम इसको बनाते हैं अपने हिसाब से, ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास है बहुत ही हैवी मोटा कॉपर वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको ले लेंगे बेसिकली एंड इसको यहीं पर लगा लेते हैं। इसको हमें निकाल लेना है दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ से, एंड यहाँ पर एक फंसा कर वायर को इसके अंदर लपेटना स्टार्ट करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लूप निकाल लिया है 6 वायर से, यहाँ पर 3 वायर एक तरफ निकाल लिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने मोटे वायर की वाइंडिंग कर दी है, अब यहाँ पर मैंने एक लूप बना दिया है, 2 वायर को निकाल दिया है। अब दोस्तों इसके अंदर हम करते हैं बारीक वायर की वाइंडिंग, जिस तरह से मेरे पास बहुत ही बारीक गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर इंसुलेटर होता है इसलिए इसको हमें साफ करना होगा पहले, तो इसको हम सैंड पेपर से अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों मैंने इसको साफ कर लिया है। अब दोस्तों इसके ऊपर हम सोल्डर कर देंगे इसके वायर को लगाने के बाद। सिंपल मेरे पास यहाँ पर एक कॉपर वायर, इसको उठाकर इसके ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों हमें इसको अच्छे से सोल्डर कर लेना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने इस पे सोल्डर कर लिया है। अब हम दोस्तों इसके नेक्स्ट साइड से यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे एंड यहाँ पर हम इस साइड से भी डाल सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम टैपिंग कर देंगे इसको। Thank you.
से दोस्तों मैंने तीसरी बार इसमें लगा दिया है लाल पट्टी को। फाइनल दोस्तों हमने वाइंडिंग कर दिया है, अब दोस्तों इसके ऊपर हमें इसको साफ करके लगा देना है। यहाँ पर है मेरे पास एक वायर गाइस, हम इसको सिंपली उठाकर इसके ऊपर लगा देंगे एंड अच्छे से। इस तरह से दोस्तों मैंने ट्रांसफार्मर को फाइनल जोड़ लिया है, अब हम इसको फिक्स करते हैं इसके अंदर बॉडी की जैसा कि था ये पहले। दोस्तों फाइनल हमारा ट्रांसफार्मर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों यहां पर मैंने तीन तार को निकाल दिया है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं यहां पर, और दोस्तों दो तार को कुछ इस तरह से जो आउटपुट में हमें लेना है वोल्टेज स्पार्क करेगा, यहां से वोल्टेज आने वाला है हमें आउटपुट में, और इनपुट यहां से हमें देने वाले हैं तीन तार से। तो इसके लिए गाइस मेरे पास यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा, कार्डबोर्ड, एक लकड़ी कह सकते हो, सॉरी इसको वुड कहते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इसको हमें फिक्स करना है यहां पर सुपर ग्लू की सहायता से। दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया मॉस्फेट को इसके ऊपर हीट सिंक लगाकर लकड़ी के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये वाला वायर है आखिरी पॉइंट, वो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के आखिरी पॉइंट से मैं जोड़ दूंगा, यानी कि मॉस्फेट पे सिंपली यहाँ से इस पर सोल्डर कर दूंगा। तो इसको कर लेते हैं दोस्तों, इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी है करना, कोई बहुत बुरी काम बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं इसको। आप लोग देखते रहो, बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आपको देखने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अच्छे से दोस्तों मैंने इसको लगा दिया है, अब दूसरे बार को गाइस इस वाले वायर की गाइस हम यहाँ पर एक 2.2 के का एक हम रेजिस्टेंस को उठाकर यहाँ पर लगा देंगे सिंपली। तो थोड़ा मोड़ लेते हैं कुछ इस तरह से, तो सोल्डर के लिए निकाली। मेरे पास यहाँ पर दोस्तों एक 1850 लिथियम आयन बैटरी, मैं इसी सहायता से इसको पावर देने वाला हूँ और फिर देखते हैं ये काम करता है या फिर नहीं। तो सिंपली बैटरी को पावर देने के लिए मैं एक वायर जोड़ लेता हूँ, सिंपल बैटरी पे हमें पहले सोल्डर कर लेना है गाइस। इस तरह से जोड़ने के बाद हमें सिंपल यहाँ पर जोड़ लेना है। कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा सिंपल मैकेनिज्म बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों इसका टेस्ट करते हैं कि ये काम करता है वाकई में या फिर नहीं करता है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको चालू कर दिया है, अब इसको देखते हैं दोस्तों इसके अंदर करंट आ रहा है वाकई में या फिर नहीं आ रहा है।